इंदौर के राजपाल अभिकरण प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल होंडा की सारी संपत्ति को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया है, यानी उस पर कब्जा कर लिया गया है और इस कब्जे की सूचना दी गई है अखबारों में विज्ञापन देकर। इसमें यह कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा पुनर्भूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत लोन नहीं चुकाने के कारण राजपाल अभिकरण प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति पर बैंक ने कब्जा कर लिया है। बैंक का यह कहना है कि उसे 19,21,29,224 रुपए राजपाल से लेना है, राजपाल अभिकरण से, लेकिन उसकी अदायगी नहीं होने के कारण उसकी सारी संपत्ति, जिसमें संपत्ति की डिटेल्स दी गई है, जिसमें निरंजनपुर की जमीन है जिसका एरिया लगभग 5000 स्क्वायर फीट है, इसके बाद फिर से निरंजनपुर की जमीन है जिसका एरिया 5000 फुट है, फिर से निरंजनपुर की जमीन है जिसका 5000 एरिया है, इसी तरह से यहाँ पर लगभग 20000 स्क्वायर फीट के साथ ही 3000 स्क्वायर फीट की एक अलग जगह है। यानी कुल मिलाकर निरंजनपुर में राजपाल अभिकरण की जितनी भी जमीन है उस पर सभी पर बैंक द्वारा कब्जा कर लिया गया है और यह राशि नहीं चुकाने के कारण बैंक ने ऐसा किया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।